गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज मम्मी जी का बर्थडे है तो मैं दादी तो वासी ले रही है, अरे प्रिया इसने मेरा चश्मा छीन लिया और ये हमारी मम्मी बैठी। हमारी माता जी का बर्थडे है तो हम जा रहे हैं, खाना जी को दिखाना भूल गया, ये हमारे लड्डू गोपाल जो है बैठे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा आपको मैं दिखाना भूल गया। तो हम जो है जा रहे हैं मथुरा वृंदावन बरसाना, तो वृंदावन में राधे राधे। हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं, यमुना एक्सप्रेस वे, और चल रहे हैं देखिए मम्मी को और प्रिया को, थके हुए हैं। चलिए फिर आपको वृंदावन के दर्शन कराते हैं। राधे राधे। ये हमारी माता जी, चाय कहाँ है, चाय, ये कोल्ड ड्रिंक, ये देख दादी, दादी क्या कर रहे, देखा तरू चश्मा चुरा लिया मेरे से। तो खाओ गाइस, खा लो चिप्स, खा लो गाइस। गाइस चलते हैं कुछ और लेकर आते हैं खाने के लिए, रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कोल्ड ड्रिंक ले लिया मैंने अपने लिए और बाकी जिसको जो खाना था खा लिया, और फिर अब गाड़ी में आ गए बैठने के लिए। श्री कृष्ण जी मथुरा में आपका स्वागत है। तो गाइस हम पहुंच चुके थे मथुरा जन्मभूमि और यहाँ पे सारा सामान इन्होंने जमा करवा दिया, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ, तो हम अंदर फोटो नहीं ले पाए। खैर सेफ्टी के लिए अच्छा था, लेकिन फिर भी जो है वो गेट से बाहर ही सब कुछ जमा करना पड़ जाता है और यहाँ से हमारी चेकिंग होती है थोड़ी सी और फिर एंट्री होती है। अंदर जो है इस तरीके का मार्केट बना हुआ है गेट के बाहर, जिसे आप शॉपिंग कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो भी लेना हो, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें ले सकते हैं। इस गेट से हम एंट्री लेते हैं, अंदर जाके पूरा घूमते हैं और पूरा दर्शन करते हैं कृष्ण लल्ला की जन्मभूमि कहाँ पे कैसे हैं। चले दादी, कैसा लग रहा है घूम के, अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया है। मम्मी अच्छा लग रहा है बाबू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो गाइस मम्मी का बर्थडे मना लिया है और अभी कहाँ से मथुरा जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि से निकल रहे हैं, अब वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में घूमेंगे। देखिए तो गाइस देखिए हमारी दादी को, हाँ तू मुँह पोछती रहे, मुँह छुपाती रहे, तू दिख रही है तू इसमें। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये दादी हमारी। गाइस हम जो है कृष्ण जन्मभूमि घूम चुके हैं मथुरा, और मथुरा से कहाँ जा रहे हैं प्रिया, वृंदावन। दादी कहाँ जा रहे हैं हम, वृंदावन, वृंदावन प्रेम मंदिर देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर प्रेम मंदिर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, हमारी माता जी बैठी हैं पीछे, उनको भी दिखाते हैं आपको। देखिए ये है हमारी माता जी पीछे बैठी हैं, ये हमारे लड्डू गोपाल, राधे राधे। चलिए फिर सीधे प्रेम मंदिर में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए सफर के मजे। ये देखिए किस तरीके से भरे हुए हैं लोग, ये भी जा रहे हैं दर्शन करने। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ सुबह पे राधा। गाइस फाइनली हम पहुंच गए प्रेम मंदिर और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है कृष्ण भगवान कृष्ण राधा माँ का, और बहुत ही प्यारा बना हुआ है, झांकियाँ बनी हुई हैं, मूर्ति बनी हुई हैं, कृष्ण से रिलेटेड हर चीज़ जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से। और मम्मी दादी और प्रिया बहुत खुश थे यहाँ पर आकर के, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। और ये प्रेम मंदिर आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर जो है प्रेम मंदिर लग रहा है। और ये गार्डन में जो है कृष्णा जी और राधा जी बैठे हुए हैं, और देखिए किस तरह से ग्वालों को बांसुरी बजा करके ऐसे आकर्षित करते थे कृष्ण, और उसकी मूर्ति बनाए रखी है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पे वातावरण, और बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मतलब कि ऐसा लग रहा था बिल्कुल जन्नत पर पहुँच गए हैं, और इतना ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे जो मूर्ति बनी हुई है, फाउंटेन है, और यहाँ का एक अलग ही वाइब थी जो हमें ना यहाँ पे अटैच कर रही थी, कि वहाँ पे मतलब मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि यहाँ से जो है इसे यहाँ से निकले, बिल्कुल देखते रहूँ इतना प्यारा जो है ये माहौल था, इतना प्यारा मंदिर बना हुआ था। और
ये फाउंटेन आप देख रहे हैं, जैसे बहुत ही प्यारा जो है बना हुआ है, इसके पीछे मूर्ति बहुत प्यारी बनी हुई है और बहुत दूर दूर से लोग जो है आसाम से बंगाल से आए हुए हैं। और ये आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये कृष्ण भगवान अर्जुन की मूर्ति, और किस तरीके से जो है ये कृष्ण भगवान का हर तरीके का राधा राधा के साथ डांस, गोपियों के साथ किस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, सबकी मूर्ति इतनी प्यारे से बनाई हुई है, एकदम ही मस्त। और फिर हम अपने लड्डू गोपाल को भी ले गए थे, लड्डू गोपाल को हमने सब कुछ जो है उनकी अपनी आंखों से दिखाया कि देखिए आप, आपके लिए हमने कितना सुंदर जो है आप बना रखा है। तो लड्डू गोपाल भी हमारे खुश हो गए थे, और इनको तो कौन नहीं जानता, इनको तो सभी जानते हैं कि पालू जी महाराज। आज सबको ले करके और हमला कर देता है, तो बड़े बड़े साधकों का सर्वनाश कर देता है। तो गाइस ये गोवर्धन पर्वत है जो कृष्ण भगवान ने अपनी कनखी उंगली पर उठाई थी, जिसके अंदर जो है बहुत ही प्यारा बना हुआ, बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि मतलब आर्टिफिशियल बनावटी है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। और वहाँ आप जाएंगे तो आप खुद सोचे पड़ जाएंगे कि ये जो है ये हवा में टिका हुआ कैसे, और रात में कुछ प्रेम मंदिर इस तरीके से दिखता है, एकदम सुंदर लाइटिंग बढ़िया हो रखी है, और क्या वाइब्स है। हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश थे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, शिराधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा।